In this section, I will explain the concept of forward contracts using an example. So, let's assume that we are having a situation in which there is a farmer who is who has grown wheat and the harvest time is after one month. So, he wants to basically protect himself against any fluctuations in the price of wheat. So, he basically, wants to manage the risk manage and protect because पता कि एक माह के बाद जब उसका उसकी फसल कट के जब मार्केट में जाएगी उस वक्त उसको क्या कीमत मिलेगी सिमिलरली वी आर हैविंग इन दिस इसी मिसाल के अंदर हम एक रज्यूम करें कि एक बेकर है जिसकी एक बेकरी है और उसको अपनी बेकरी का सामान बनाने के लिए वीट यानी कि गंदुम यानी कि आटा दरकार है और वो आटा खरीद खरीदेगा ओवरऑल पूरे साल में और उसको नहीं पता कि तमाम साल भर क्या कीमत होगी गंदुम की जिसकी वजह से उसके ओवरऑल बिजनेस के ऊपर काफ़ी असर पड़ सकता है क्योंकि उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है बेकरी आइटम्स को बनाने के लिए वो फ्लो वीट है uh, आटा को इस्तेमाल करके वो अपनी तमाम चीज़ें बनाता है तो वी आर रिज्यूमिंग दिस तो वी हैव गॉट टू कैरेक्टर्स अ फार्मर एंड अ बेकर जो फार्मर है वो भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा रिस्क को मैनेज करना चाहता है जो बेकर है वो भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा वो भी रिस्क को मैनेज करना चाहता है अब इस किस्म की सूरत हाल में दोनों पार्टीज़ अगर रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे उसके लिए हम उनको एक ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कि दे कैन गो फॉर अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होती क्या है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप जो भी दो पार्टीज़ हैं वो अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगी जिसमें फ्यूचर के टाइम पीरियड मुतिन किया जाएगा स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होगा जिसमें पहले से एग्रीड अपॉन प्राइस पे होगी एग्रीड अपॉन क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट एग्री होगी उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा कि कितनी क्वांटिटी सेल हो रही है एक सर्टन टाइम पीरियड के गुजर जाने के बाद और उसकी कीमत का तयन तब नहीं होगा अभी से होने जा रहा है ऐसा करने से क्या हो रहा है बोथ पार्टीज प्रोटेक्ट देम सेल्फ अगें अगेंस्ट द एक्सपोजर टू रिस्क क्योंकि दोनों पार्टीज को नहीं पता और के जो वीट की कीमत एक महीने के बाद क्या तयन होगी दे इट मे बी फेवरिंग द बेकर अ लोन इट मे बी इट मे बी अ प्रॉब्लोमेटिक वैल्यू फॉर द फार्मर तो पहले से वो अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसको हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं इसमें फॉरवर्ड का मतलब क्या है के जो एग्ज़ीक्यूशन है वो आफ्टर अ सर्टन टाइम होने वाली है लेकिन डिसीशन उसका अभी है और दोनों पार्टीज में से किसी ने भी किसी को कुछ पैसे अदा नहीं करने इस वक्त और तमाम चीज़ों का तयन अभी होगा मगर एग्जीक्यूशन इसकी सर्टन फ्यूचर में कोई डेट है उसके ऊपर होने वाली है जा, 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 जाहिर है जब वीट कट उसका हार्वेस्ट होगा हार्वेस्ट सीजन के बाद जब वीट की कटाई होगी गंदम की तभी तो मार्केट में वो उसको बेकर को अवेलेबल होगी नाउ हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू हेल्प द बेकर एंड द फार्मर बोथ कि उन्होंने अभी जो कीमत का तयन किया जिसके ऊपर ट्रांजेक्शन होगी एक माह के बाद उसको अभी से वो लॉक करे हैं और इस कीमत के ऊपर ही पेमेंट आएगी बेकर की तरफ से फार्मर को रिगार्डलेस के एक माह के बाद मार्केट में वीट की कीमत का तयन क्या होगा सो दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट दम सेल्स अकॉर्डिंग अगेंस्ट द फ्लक्चुएशंस इन द प्राइस ऑफ वीट अब uh, कुछ नंबर्स के साथ में आई एम गो टू फर्दर एबोरेट दिस एग्जाम्पल सपोज जो ओवरऑल क्रॉप है फार्मर का वो चार लाख के जी यानि कि ओवरऑल दस हज़ार मॉन्ड्स जिसको हम उर्दू में मन कहते हैं दस हज़ार मन ओवरऑल उसका क्रॉप है जिसको वो बेचना चाहता है मार्केट में इस वक्त कीमत वीट की है दो हज़ार रुपये पर मन एक मन की कीमत दो हज़ार रुपये है और अगर वो अभी ही अपना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है बेकर से तो उसको इस कीमत के ऊपर अपना चार लाख के जी को बेचने से बीस मिलियन रुपीस मिलेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक माह के बाद बेकर उसको पे करेगा इफ़ दे गो फॉर अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग दीज नंबर्स बेस्ड अपॉन दीज नंबर्स इस एग्रीमेंट को साइन करने से दोनों पार्टीज़ ने जो पॉसिबल फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं कीमत में एक माह के बाद उस रिस्क को एलिमिनेट किया है या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट बोथ पार्टीज हैव मैनेज्ड रिस्क बाय साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट टुडे एंड बिकॉज दिस इनवॉल द पेमेंट ऑफ द मनी टू द फार्मर आफ्टर वन मंथ एंड द डिलीवरी ऑफ वीट टू द बेकर आफ्टर वन मंथ हिन्स दिस विल बी टर्म्ड एज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट